ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, वीडियो को मैं बस आप सभी को जो है मैं एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग जो बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बाकी सब कुछ आप अपने भाई के ऊपर छोड़ दो। आपको एकदम इजी स्टेप में समझाएगा कि आपको कैसे भी ये फोटो को एडिट करना है। एंड गाइस, बाकी जैसे फोटो सारी एडिट करना आपको सिखाता हूँ, उसी की तरह ये भी बहुत ही इजी स्टेप में सिखाऊंगा, ठीक है? तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। बाकी गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए, आज किसने वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप सभी को, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ से ऐड फोटो में। गाइस, यहाँ से ऐड करेंगे हम अपने मॉडल को, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमें अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड यहाँ पे जो मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, तो गाइस आप लोगों को अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। बाकी गाइस, आप लोगों के ना आपको जैसे आप अपने मॉडल का ऐड करोगे तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको इरेज कर लेना। जैसे गाइस मेरी फोटो में है तो मैं इरेज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, जैसे गाइस यहाँ पे जो मॉडल को मैं एकदम एडजस्ट करूँगा यहाँ पे इस हिसाब से। अब गाइस, आप में से कई लोगों के दिमाग में तो ये बात आ रही होगी कि भाई का एकदम मॉडल जो है इसके मतलब PNG के हिसाब से आ रहा है, जो मतलब यहाँ पे जो बॉक्स टाइप का जो है उसके हिसाब से आ रहा है। तो गाइस, इसका रीज़न ये है कि गाइस क्योंकि ये जो मतलब कि भाई ने जो फोटो क्लिक करवाई थी वो इसके साथ ही क्लिक करवाई थी, ठीक है? तो इसलिए इसके साथ ही मैच हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने मतलब कि यहाँ पे जो PNG है मैंने मतलब कि एकदम सेम टू सेम कैसे मैच कर दिया यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा वो मत करना, ठीक है? क्योंकि जो है इसके साथ ही फोटो क्लिक करवाया था इनने, और अगर आपके पास भी ऐसा कोई मतलब कि गैजेट हो तो आप उसके साथ फोटो क्लिक करवा लेना, आपका भी यहाँ पे ऐसे मर्च हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हम इतना कर लेते हैं, आपको मैं फिर बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जो भी एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह था मेरा यहाँ पे सबको मैंने रिमूव कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे थोड़ी सी शेडो, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, फिर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। एंड ऐसा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। एंड इसको ऐड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको फुल स्क्रीन कर देना है इस तरीके से। एंड इसको मूव डाउन कर देना है, फिर इरेजर टूल में जाना, आपको इरेजर लेना है। एंड इसको इन्वर्ट कर देना है, फिर ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट करके साइज वगैरह अपने हिसाब से, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पेंट करना है, यानी कि जैसे शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है? एंड शेडो आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है जो कि लगनी चाहिए एकदम रियलिस्टिक। अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है कि शेडो हम कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके वीडियो को जरूर वॉच करना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे तक, आप सभी को काम आएगी वो वीडियो, तो ठीक है? आप लोग वीडियो को देख लेना अगर आपके पास टाइम हो तो, या फिर बाद में भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का जितना हो जाने के बाद आप लोगों को जो ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेनी है हल्की सी, क्योंकि शेडो का जो ओपेसिटी होता है वो कम ही होता है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आप लोगों को करना, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी एक आई की PNG, ठीक है? तो यहाँ पे आप सबको क्रिस 4 का जो यहाँ पे आपको पोस्टर दिख रहा है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, और आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लेना वीडियो को। तो बाकी अभी हम जो PNG अपने यहाँ पे जो मॉडल है उसके आई के पास लगाते हैं, आप चाहो तो ये वाला आई का PNG भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई दूसरा है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो जो है फोटो से मैच होना चाहिए, ठीक है? बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको इरेजर टूल में जाके यहाँ पे रिमूव कर देंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ा सा कम रख लेंगे, क्योंकि जो है ओपेसिटी ज़्यादा लगेगी रहेगी तो वो लगेगी फोटो हमारी फेक, तो भी हम ओपेसिटी कम करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद जो दूसरा वाला है हम दूसरी आई के ऊपर लगा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको लग रहा है ऐसा कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट टाइम से जो मैं अपने इस पे काम करूँगा, मतलब कि मैं थोड़ा कुछ करूँगा अच्छे से और आराम से बोलने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा एड फोटो में जाना है, ऐसा बैकग्राउंड में जाना है, फिर आपको यहाँ पे पिंक कलर का जो है यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है, ठीक है? वो इसलिए लेना है क्योंकि गाइस मैं आपको बताता हूँ अभी के पहले तो आपको उसका करना है कि आपको यहाँ पे जो इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको कर देना है यहाँ पे ओवरले, ठीक है? मल्टीप्लाई भी रख सकते हो बट ओवरले रखना चाहता तो, ठीक है? उसके बाद आपको ब्रश लेना है, ब्रश लेने के बाद आपको यहाँ पे जो है पेंट करना है आपके दोनों चीक्स के ऊपर। अब ये गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस जो इसकी जो रियल फोटो है जो अपना बीजी ने अपलोड की है उन्होंने भी ऐसा कुछ यहाँ पे अपने फेस के ऊपर किया है, तो गाइस मेरे को लगा कि आप सेम टू सेम मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको सेम टू सेम बताऊँ ना बिल्कुल, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड देन इसकी ओपेसिटी कम कर लेना, अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा रहेगी ना ओपेसिटी, तो लड़की जैसे लगेगा फेस आपका, है ना? तो आपको उसको कम ही रखना है, ठीक है? अराउंड कुछ रख लेना 88 तक, एंड देन उसके बाद कर देना डन। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है हमारा पिक्सल आर्ट का काम खत्म होता है, अभी हम फोटो को सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइटरूम ऐप में एंड इसको रिटच करके बनाएंगे एकदम मस्त फोटो एकदम, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी फोटो आ चुकी है, तो हम जाएंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में, देन उसके बाद हम इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट्स को जो लेंगे हम यहाँ पे हाईलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज कर देंगे, एंड जो उसके बाद जो ब्लैक्स है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे ऐसे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ाएंगे एंड टेम्परेचर जो है हल्का सा कम करेंगे, फिर जाएंगे मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन हल्का सा कम करेंगे, फिर लेंगे रेड कलर, रेड कलर को लेने के बाद इसका ल्यूमिनस बढ़ाएंगे, ठीक है?
एंड उसके बाद जो है यहाँ पे सैचुरेशन इसको बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे अपना ब्लू येलो कलर में, एंड यहाँ से ह्यू माइनस, सैचुरेशन प्लस, एंड ल्यूमिनस को थोड़ा माइनस, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे लेना आपको ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को लेने के बाद आपको उसको इसका ह्यू है उसको प्लस की तरफ करना है, सैचुरेशन को भी प्लस एंड जो ल्यूमिनस है उसको भी प्लस। फिर उसके बाद जा रहे हैं डार्क ब्लू में, आपको उसका ल्यूमिनस थोड़ा सा कम कर देना है ताकि वॉल वगैरह जो डार्क हो जाए। फिर उसके बाद चले जाना आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में, आपको जो यहाँ पे थोड़ी क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, एंड फोटो में विगनेट डाल देना आपको अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, देन आपको यहाँ पे फीदर को इंक्रीज कर देना है। फिर चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में नोड रिडक्शन डाल देना है, नीचे आपको मिलेगा कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सबकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।